तो दोस्तों देख सकते हो मेरे सामने खड़ी है होंडा की तरफ से आने वाली दो 125 सीसी की बाइक्स। एंड दोस्तों ये जो दोनों ही बाइक्स हैं ना अपने अपने सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इसकी वजह से लोग ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों में से कौन सी बाइक पिक करनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों बाइक्स में आपको पावर जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर मिल जाती है। तो आज के वीडियो में आपका ये जो कन्फ्यूजन है ना मैं दूर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा इन दोनों बाइक्स के लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में। तो लुक वाइज दोस्तों जो SP125 है ना इसका लुक आपको थोड़ा सा मॉडर्न मिलेगा, एंड यंगस्टर को दोस्तों इसका लुक जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। वही हम आएंगे शाइन की तरफ, तो शाइन का लुक आप देख सकते हो वही लुक जो आपको बहुत सालों से मिलते हुए आ रहा है वही आपको लुक मिलता है। थोड़ा बहुत इसमें आपको होंडा कॉस्मेटिक चेंजेस ज़रूर से प्रोवाइड करता है, बट लुक जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर है। एंड दोनों ही बाइक्स में आपको एक कम्यूटर बाइक वाली लुक एंड फील मिलने वाली है। और दोस्तों दोनों ही बाइक्स के प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अभी मेरे पास जो इन दोनों बाइक्स का डिस्क वेरियंट है, एंड इसमें आपको डिस्क एंड ड्रम दोनों भी ऑप्शन मिल जाते हैं। बट मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन दोनों बाइक्स के डिस्क वेरियंट की तरफ जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो ब्रेकिंग सेक्शन है ना बहुत ही अच्छा मिलता है। एसपी की जो प्राइस है ना लगभग आपको मिलती है 1,08,000 रुपीस ऑन रोड मुंबई। एंड वही हम जाएंगे शाइन की तरफ, तो शाइन में आपको ना थोड़ी सी प्राइस कम मिलेगी। इसमें आपको वो इसकी डिस्क वेरिएंट है ना उसकी आपको प्राइस मिलेगी 1,03,000 रुपीस। फ्रंट लुक के बारे में बात करूँ दोस्तों तो आपको दोनों बाइक्स में ना डिफरेंट थोड़ा सा फ्रंट लुक मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प मिलेंगे। SP125 में टर्न इंडिकेटर जो है ना आपको मिल जाते हैं बल्ब में ही। एंड वही बात करेंगे शाइन में तो शाइन में आपको जो है ना नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प भी मिलते हैं, इंडिकेटर्स भी यहाँ पे आपको बल्ब में ही मिलेंगे। सस्पेंशन जो है ना फ्रंट के वो आपको दोनों में भी टेलीस्कोपिक मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। रियर में भी इवन आपको सेम सस्पेंशन मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिलते हैं ड्यूअल शॉक एब्जॉर्बर्स, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो शाइन में भी यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे ड्यूअल शॉक एब्जॉर्बर्स। तो यहाँ पे आपको जो है ना सस्पेंशन क्वालिटी दोनों ही बाइक्स में ऑलमोस्ट सिमिलर मिलने वाली है। इनके व्हील्स के बारे में बात करूँ तो सेम व्हील्स आपको मिलते हैं, सेम सेक्शन के व्हील्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स आगे एंड पीछे। एंड इसके विड्थ के बारे में बात करूँ तो 118 इंचेस के यहाँ पे आपको टायर्स मिलेंगे। एंड ओवरऑल जो टायर्स है ना आपको दोनों बाइक्स में सेम मिलते हैं। आई विश कि आपको दोनों बाइक्स में रियर में जो है ना वो थोड़ा से वाइडर टायर्स अभी मिलने चाहिए थे, उसकी वजह से आपकी जो स्टेबिलिटी होती है आपकी जो ग्रिप होती है ना वो बहुत ही बढ़िया हो जाती है। एंड अभी दोस्तों आ जाते हैं इन बाइक के साइड सेक्शन की तरफ, तो साइड सेक्शन से इन दोनों बाइक्स का आप लुक देख सकते हो कुछ इस तरीके से। आपको इसमें SP में लुक मिलेगा, एंड शाइन में भी आप इस तरह से इसमें लुक देख सकते हो। और टैंक जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर आपको जो है ना थोड़ा सा मस्कुलर टैंक देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। SP में आपको टोटल 11 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। एंड यहाँ पे बात करेंगे शाइन के बारे में तो शाइन में आपको जो है वो 10.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। एंड यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं मिलता, एक सिंपल सा मेटल का फ्यूल टैंक मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ ग्राफिक वर्क मिलती है, एंड यहाँ पे क्रोम का यूज़ जो है ना बहुत ही अच्छे से और सटल तरीके से किया गया है। इसके ऊपर भी आप देख सकते हो तो आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। एंड ओवरऑल टैंक के जो शेप है ना वो मुझे थोड़ा सा SP का बेटर लगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिल जाते हैं, इसकी वजह से बाइक थोड़ी और भी मस्कुलर लगती है। इंजन के बारे में बात करूँ तो सेम इंजन आपको मिलता है दोनों भी बाइक्स में, 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है। एंड ओवरऑल ये जो इंजन है ना ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है। एंड यहाँ पे आपको होंडा का बहुत ही अच्छा सा भरोसा भी मिलता है। पावर फिगर्स के बारे में बात करूँ तो हल्का फुल्का आपको दोनों ही बाइक्स के पावर फिगर्स में डिफरेंसेस फील होगा। SP के बारे में बात करूँ तो SP में आपको 10.8 PS ऑफ पावर एंड 10.9 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है, जो कि दोस्तों 0.1 PS की पावर आपको SP में ज़्यादा मिलेगी। एंड वही हम बात करेंगे शाइन के बारे में तो शाइन में आपको 10.7 PS की पावर मिलती है एंड 11 Nm का टॉर्क मिलता है, तो टॉर्क आपको थोड़ा सा शाइन में ज़्यादा मिलने वाला है। यही दोस्तों मेजर डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, बाकी यहाँ पे आपको इंजन में चलाते समय इतना कुछ ज़्यादा फील नहीं होने वाला है। और फिर भी दोस्तों हम जब इन दोनों बाइक्स को चलाएंगे तभी और भी डिटेल में बात करने वाला है। आएंगे साइड सेक्शन की तरफ तो साइड से इन दोनों बाइक्स का लुक देख सकते हो, दोनों भी में आपको मिलता है साइड माउंटेड एग्जॉस्ट, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। एंड शाइन में भी आप देख सकते हो दोनों के ऊपर जो है आपको क्रोम की प्लेटिंग भी मिल जाएगी, तो उसके वजह से लुक जो है ना थोड़ा सा और प्रीमियम हो जाता है। यहाँ पे आपको मिलती है SP125 की ब्रांडिंग, एंड यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी शाइन की ब्रांडिंग, एंड यहाँ पे आपको 125 लिखा हुआ मिल जाएगा। सीट्स की तरफ आएंगे तो दोनों भी आपको मिलती है सिंगल सीट, जो कि देख सकते हो। SP में जो सीट है ना वो थोड़ी सी आपको हार्ड साइड में मिलती है एज़ कम्पेयर टू शाइन। शाइन में आपको थोड़ी सी सॉफ्ट सीट्स मिल जाती है, बट ओवरऑल जो राइडर एंड पिलियन का जो कम्फर्ट है ना वो दोनों ही बाइक्स में आपको सिमिलर ही मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड ओवरऑल सीटिंग कंफर्ट जो है ना दोनों बाइक्स में अच्छा मिलेगा।
रियर के आप यहाँ पे टायर्स भी देख सकते हो, आपको रियर में मिल जाता है ड्रम ब्रेक्स। एंड ब्रेकिंग सेक्शन के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पे ड्यूअल डिस्क वेरिएंट नहीं मिलता है, आपको ओनली सिंगल डिस्क वेरिएंट मिलेगा। एंड फ्रंट में आपको जो है मिलेगा 240mm का डिस्क ब्रेक्स। एंड यहाँ पे आपको दोनों भी बाइक्स में मिल जाती है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। एंड जब आप इसके रियर के ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपके फ्रंट के ब्रेक भी ना कुछ परसेंट यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से इसमें आपको ब्रेकिंग भी मिलेगी। रियर की तरफ आएंगे तो आप इन दोनों बाइक्स का रियर का लुक्स भी देख सकते हो, तो रियर से कुछ इस तरीके से इन दोनों बाइक्स का लुक मिलता है। आपको यहाँ पे भी है ना हैलोजन सेटअप ही मिलता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो एसपी में भी हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, इवन जो टेल लाइट है वो भी आपको हैलोजन में ही मिलती है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। दोनों में से कौन से बाइक का आपको टेल पोर्शन पसंद आता है उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको मिल जाता है सारी गार्ड। एंड दोस्तों मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही पसंद आती है कि होंडा ना यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा खासा सारी गार्ड देता है। एंड इवन यहाँ पे एक प्लास्टिक की जो कोटिंग भी देता है ना उसके वजह से ओवरऑल बाइक जो है ना बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर लगती है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। एंड कुछ इस तरीके से इसमें मिलता है लुक। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है दोनों बाइक्स में चेन कवर, तो आपको चेन की मेंटेनेंस है ना बहुत ही कम होने वाली है, देख सकते हो। यहाँ पे दोनों भी बाइक्स में आपको मिलेगा 5-speed का गियर बॉक्स, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं फील होंगे। और यहाँ पे आपको मेन स्टैंड के साथ साथ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर का भी दोनों भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप दोनों भी बाइक्स में देख सकते हो। एंड ओवरऑल कुछ इस तरीके से आपको लुक मिलेगा साइड से। अभी आ जाएंगे इनके सबसे मेजर डिफरेंसेस की तरफ जो कि है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो आपको शाइन में जो है ना वो एक एनालॉग डिस्प्ले मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ही मिलती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आपको मिलेगा एक बड़ा सा स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको ऑडोमीटर मिल जाता है, इस साइड में आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा, न्यूट्रल की लाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ना जब भी आप इसके इंडिकेटर चालू करेंगे तो यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर की भी लाइट मिल जाती है। एंड बेसिक से फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। इवन इसके हैंडल बार्स देख सकते हो, तो यहाँ पे हैंडल बार्स की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही अच्छी है। स्विच गेयर्स की क्वालिटी मुझे बहुत ही पसंद आई है, प्रीमियम क्वालिटी के स्विचेस यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। और वही हम बात करेंगे SP125 के बारे में, तो SP125 में आपको थोड़ा सा मॉडर्न डिस्प्ले मिल जाता है, आप देख सकते हो फुल्ली डिजिटल यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो डिजिटल ही मिल जाएगी। यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है। स्पीडोमीटर मिल जाएगा, इस साइड में आपको जो है डिजिटल क्लॉक मिल जाता है, ऊपर की तरफ आपको ऑडो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सेट एंड मोड के लिए बटन मिल जाएगा जिससे आप डिस्प्ले में जो है ना वो टॉगल कर पाओगे। एंड ओवरऑल सेम स्विच गियर की क्वालिटी यहाँ पे भी मिलेगी, आप देख सकते हो सिमिलर क्वालिटी की दोस्तों स्विच गियर्स क्वालिटी मिलती है, तो ओवरऑल ये चीज़ आपको मिलने वाली है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में भी बात करूँ तो दोनों में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है, ग्राउंड क्लियरेंस में ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, बट आपको जो शाइन में है ना वो 162mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। एंड एसपी में बात करूँ तो यहाँ पे आपको 160mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। वेट भी दोस्तों इन दोनों बाइक्स का जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाला है, तो यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अभी मैं इन दोनों बाइक्स का आपको ना एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ एंड फिर इस बाइक को चलाएंगे और बात करेंगे इन दोनों बाइक्स में आपको क्या कुछ डिफरेंसेस चलाने में मिलते हैं। तो अभी सुन लेते हैं शाइन का एग्जॉस्ट नोट। तो बहुत ही आपको ग्रंटी साउंड आपको मिल जाएगा शाइन में। अभी मैं आपको सुना देता हूँ SP125 का एग्जॉस्ट नोट। तो दोनों भी बाइक्स के साउंड में मुझे इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं फील हुआ है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा साउंड मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए अभी इन दोनों बाइक्स को चलाते हैं और मैं अभी सीधा मिलूंगा आपको मेरे मोटर ब्लॉगिंग के सेटअप पे। तो ऑलराइट दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ मेरे मोटर ब्लॉगिंग के सेटअप पे, है ना आप देख सकते हो मेरे सामने दोनों ही बाइक्स खड़ी है। अभी मैं चलाने वाला हूँ SP125 एंड दोस्तों मैं आपको राइडिंग एक्सपीरियंस इस बाइक के ऊपर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इन दोनों बाइक्स के राइड एंड हैंडलिंग के बारे में। तो हैंडलिंग के मामले में दोनों ही बाइक जो है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पे आपको इतना कुछ ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं मिलेगा, दोनों ही बाइक्स में सिमिलर ही है दोनों में भी। राइडर के लिए जो हैंडल बार्स है ना वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड आते हैं एंड एक आपको बहुत ही कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको झुकने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ईजिली आप इस बाइक को चला पाते हो। सीट जो है ना वो मुझे SP की थोड़ी सी हार्ड लग रही है एज़ कम्पेयर टू
शाइन 125। शाइन की सीट जो है ना थोड़ी सी सॉफ्ट साइड में है, एंड इवन दोस्तों दो राइडर जो है ना, मतलब एक राइडर और पिलियन बहुत ही इजीली इस बाइक के ऊपर कम्यूट कर सकते हैं। इवन आप लॉन्ग राइड के लिए भी इन दोनों बाइक्स को लेके जा सकते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इनके पावर एंड पिकअप के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे इतना कुछ आपको डिफरेंस फील नहीं होगा, दोनों में भी आपको सिमिलर इंजन मिल जाता है 125 सीसी का, तो पावर में एंड टॉर्क में इतना कुछ ज़्यादा फील नहीं होता। बट स्मूथनेस वाइज में बात करूँ तो SP125 मुझे थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ लगी है। वो भी स्मूथ है, ऐसे नहीं कि वो नहीं स्मूथ है, बट उससे थोड़ी सी हल्की ज़्यादा स्मूथ मुझे SP125 लगी है। इन दोनों बाइक्स का जो इनिशियल पिकअप है ना वो बहुत ही अच्छा है। मिड रेंज में भी बाइक जो है ना बहुत ही अच्छे से पुल करती है, ओवरटेकिंग वगैरह करते समय आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आप जब इसे टॉप एंड पे लेके जाते हो, मतलब आप इसे 80 या 90 के ऊपर भगाते हो, तो थोड़ी बहुत बाइक जो है ना वो स्ट्रगल करते हुए आपको दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा पावर नहीं है 125 सीसी के इस इंजन में। बट आप सिटी कम्यूटिंग के लिए कोई बाइक देख रहे हो तो आप इन दोनों में से कौन सी भी बाइक ले सकते हो, तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम फील नहीं होगा। सस्पेंशन वाइज बात करूँ तो SP के जो सस्पेंशन है ना वो थोड़े से आपको हार्ड साइड में मिलते हैं, बाकी सस्पेंशन जो है आपको सिमिलर ही दिया गया है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक एंड रियर में आपको जो है वो ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं, तो सस्पेंशन सेटअप सिमिलर है। बट सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग की गई है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। फ्रंट के सस्पेंशन दोनों बाइक्स में आपको सेम ही मिलते हैं, मतलब सॉफ्ट साइड में रखे गए, तो बम्प जो है ना वो ख़राब रास्ते में भी आप लेके जाते तो अच्छे खासे बम्प जो है ना सोक कर लेता है। बट रियर के सस्पेंशन की जो सीन्स है ना वो थोड़ी सी अलग है। SP में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा जब भी आप चलाओगे, क्योंकि यहाँ पे सस्पेंशन थोड़े से हार्ड साइड पे है। सिटी राइड के हिसाब से दोनों भी सस्पेंशन जो है ना बहुत ही अच्छे है, दोनों ही बाइक जो है ना बहुत ही अच्छी परफॉर्म करती है। उसके बाद माइलेज के बारे में बात करूँ दोस्तों तो माइलेज आपको दोनों ही बाइक्स में सिमिलर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा 55 से लेकर 60 का माइलेज इन सिटी। एंड हाईवे के बारे में बात करूँ, आप एक डिसेंट स्पीड पे क्रूजिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 65 की भी माइलेज बहुत ही इजीली मिल जाएगी। वेट जो है ना दोनों ही बाइक्स का सिमिलर ही है, 1-2 kgs का ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। सिटी में चलाने के लिए दोनों बाइक जो है ना बहुत ही बढ़िया है, हैंडलिंग बहुत ही अच्छी है, इवन शॉर्ट राइडर्स भी इन बाइक्स को चला सकते हैं, तो शॉर्ट राइडर्स के लिए भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ग्राउंड क्लीयरेंस भी जो है ना वो दोनों ही बाइक्स में आपको 160 mm एंड 162 mm का मिलता है, तो आपको दोनों ही बाइक जो है ना बहुत ही ईजिली आप गड्ढों में से, ख़राब रास्तों में से लेके जा सकते हो, आपकी बाइक जो है नीचे टच नहीं होगी। तो अभी आ जाएंगे कंक्लूजन की तरफ कि आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आप एक यंगस्टर हो एंड आप कोई बाइक देख रहे हो 125 सीसी में, तो आप जो है ना वो SP125 ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से एडवांस फीचर्स आपको मिल जाते हैं। जैसे कि इसमें आपको देख सकते हो डिजिटल डिस्प्ले वगैरह मिलता है, इसके लुक जो है ना वो थोड़े से मॉडर्न है, बल्की लगती है बाइक एज़ कम्पेयर टू शाइन। बट आप ऐसे बंदे हो जहाँ पे आपको फीचर्स की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, आप एक ऐसी कंसिस्टेंट बाइक देखना चाहते हो, एक वैल्यू फॉर मनी बाइक देखना चाहते हो, तो आप शाइन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है ना बहुत ही अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं, एक डिसेंट फीचर्स मिलते हैं जो कि ज़रूरी है डे टू डे लाइफ में, ज़्यादा कुछ बकवास की नहीं गई है वहाँ पे, तो एक आपको ये चीज़ देख सकते हो। बाकी ओवरऑल दोनों ही बाइक जो है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही कह सकता हूँ, लुक एंड फील वाइज थोड़े से डिफरेंट है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको फील होंगी। आप दोनों ही बाइक्स का टेस्ट राइड ले सकते हो। एंड दोस्तों स्पेशली थैंक्स टू पायलट प्रो होंडा एंड योगेश सर का, जिन्होंने ये दोनों ही बाइक्स मुझे आप तक पहुंचाने के लिए प्रोवाइड की। आपके मन में इन दोनों बाइक्स को लेके कोई भी डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ लीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट को रिप्लाई देने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ।